अब देखते हैं बेटा पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो जब भी वर्ड रेट आता है फिजिक्स में, वी डिवाइड बाय टाइम, तो पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया, वर्क को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम जानते हैं वेलोसिटी होता है। तो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी वी हो गया। अगर एफ और वी के बीच का एंगल है, पैरेलल नहीं है, तब हम एफ वी कॉस थीटा ले लेंगे। तो पावर बहुत सिंपल है निकालना। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट, यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट, यूनिट ऑफ पावर वॉट होती है। वन वॉट होता है 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। 1 किलो वॉट होता है 1000 वॉट। 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वॉट। और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। तो पावर की यूनिट हॉर्स पावर भी होती है। किसी किसी न्यूमेरिकल में हमें हॉर्स पावर में निकालना पड़ता है, तो याद रखें 1 हॉर्स पावर जो होती है 746 वॉट होती है। तो पावर में कुछ है नहीं है, पावर बहुत सिंपल है, इन्हीं फॉर्मूलों से निकलाती है पावर। लेकिन पावर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब पता लगेगा कि दो तीन बातें हमें एक्स्ट्रा भी जरूरत पड़ती है। वेल पम्प्स आउट 2400 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट। 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है पंप में से। द वाटर इज कमिंग आउट विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। वाटर की वेलोसिटी दे रखी है। फाइंड आउट पावर ऑफ पंप, हाउ मच वर्क इज डन इफ द पंप रन फॉर 10 आवर्स। बेटा एक फार्मूला होता है, ये हम भी पढ़ेंगे आगे। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आगे आएगी, लेकिन कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा इसलिए बता दे रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई आपकी ½ mv². पहले वाटर की काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। इससे करने में आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। और पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, तो ½ mv² अपॉन टाइम। अब हाफ तो हाफ है ही, पंप में से 2400 किलोग्राम पानी निकल रहा है, टाइम जो है 1 मिनट है, 60 सेकेंड है, वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये पावर आ गई पंप की। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 6 4 24 और 20, तो ये आ गया आपका 180। 180 वॉट हो गई पंप की जो पावर हो गई, वो हो गई आपकी 180 वॉट। अब हमें निकालना है कितना वर्क करेगा पंप 10 घंटे में। तो क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम पढ़ा है, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया पावर इंटू टाइम। तो पावर है 180 वॉट, टाइम है 10 आवर्स, आवर्स को कर लेंगे सेकंड में, 60 × 60। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.48 × 10 की पावर 6 जूल। देखते हैं, एन एलिवेटर कैरीज अ लोड ऑफ 1800 किलोग्राम इज मूविंग अप विद अ लिफ्ट, मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एलिवेटर बेटा लिफ्ट होती है, और एलिवेटर का जो लोड है, टोटल लोड है जो है वो 1800 किलोग्राम है। तो हमने पढ़ा है फोर्स होता है mg, इट इज़ मूविंग अप विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से एलिवेटर ऊपर जा रहा है। इफ मोशन इज अपोज बाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी है,
और फ्रिक्शन फोर्स हो गई 4000 न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ अ मोटर ऑफ एलिवेटेड हॉर्स पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है जो इस पर लगेगा, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितनी हो गई जितनी एलिवेटर को लगानी पड़ रही है, 1800 g, तो g की वैल्यू 10 दे रखी है तो g की वैल्यू जगह रख दिया, f f जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स। तो 1800 इंटू जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स 4000, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 22000। तो ये फ्रिक्शन टोटल फोर्स आ गई जो लग रही है, जिसके अगेंस्ट ये चल रही है मोटर, तो टोटल फोर्स हो गई आपकी 22000। अब पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 22000 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई 4400 वाट। तो ये वाट में तो आ गया, लेकिन हम जानते हैं वन हॉर्स पावर होता है 746 वाट। तो पावर ऑफ अ मशीन आ जाएगी 440 डिवाइड बाई 746, तो हॉर्स पावर में ये निकलेगी 59 हॉर्स पावर। तो इतनी हॉर्स पावर की मशीन लगी हुई है एलिवेटर में, डिवाइड करके देख लेना बेटा 59 आएगा, तो 59 हॉर्स पावर की मशीन इस एलिवेटर में लगी हुई है। अ मैन इज साइकिलिंग अप अ इंक्लाइंड प्लेन विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इज 15 डिग्री, वॉट इज द पावर अप्लाइड बाई मैन। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी एंगल दे रखा है 15 डिग्री, और एक साइकिल मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहली बात तो किलोमीटर पर आवर में लेंगे नहीं, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो वेलोसिटी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये mg होगा और ये mg साइन थीटा होगा, तो बेटा कितनी फोर्स लगा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए, तो हम कह सकते हैं F-mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो फोर्स जो मैन लगा रहा है गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, वो लगा रहा है mg sin थीटा। अब मास ऑफ अ मैन जो है वो 120 किलोग्राम दे रखा है विद साइकिल, 120 किलोग्राम है मास ऑफ मैन विद साइकिल, 120 किलोग्राम है, तो फोर्स हो जाएगी आपकी 120 × 9.8 × sin 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री वैसे क्वेश्चन में दे रखा है और आप टेबल से भी देख सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू है 0.2588, ये मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.2588। तो आप साइन 15 की वैल्यू टेबल से भी देख सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो एफ हो जाएगा 120 × 9.8 × sin 15 0.2588। तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन हम जानते हैं पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पूरा आ जाएगा 120 × 9.8 × 0.2588 × वेलोसिटी, वेलोसिटी है 5। सॉल्व करके बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपका 1522 वाट, ये आप करके देखें 1522 वाट, इतनी पावर आदमी को लगानी पड़ेगी साइकिल चलाने के लिए। एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल का देखते हैं, मशीन इज डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, हाउ इज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ इज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम। ये क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में कई बार आया है।
हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर कांस्टेंट बता रहा है मशीन की, तो फोर्स हो गया MaV, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं dv/dt होता है। तो हमें वेलोसिटी की रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन टाइम के संग निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। v dv हो जाएगा p/m dt। अब हमें मालूम है dv और dt कैसे हटते हैं इंटीग्रेट करके, तो v dv is equal to p/m dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया, v का इंटीग्रेशन हो गया v²/2 is equal to p/m dt का इंटीग्रेशन हो गया t। तो हम कह सकते हैं v आ गया √2p/m t की पावर हाफ। तो वेलोसिटी का जो वेरिएशन है टाइम के संग हाफ पावर में, एक तो क्वेश्चन यही हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया, वेलोसिटी टाइम के संग जो है हाफ पावर में वेरी कर रही है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के संग कैसे निकालेंगे। हमको मालूम है वेलोसिटी है √2p/m t की पावर हाफ। वेलोसिटी होती है ds/dt, तो ds/dt हो गया √2p/m t की पावर हाफ। तो ds हो गया बेटा √2p/m integration t की पावर हाफ dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट ds का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया √2p/m t की पावर हाफ का आ गया t³/2/3/2। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2/3 √2p/m t की पावर 3/2। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के संग वेरिएशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t³/2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, NEET में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से।